तुम्हारे वायरफ चाचा अपने आप को बदलने वाले हैं। नहीं, उन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा, इतना बड़ा भी मैं क्रिएटर नहीं हूँ कि मेरा वीडियो देख के इन्फ्लुएंस हो गए। नहीं, डीएस ने बोला हाँ ये पॉइंट्स हैं, इनको बदल देते हैं। फिलहाल के लिए हमारे वायरफ चाचा ने शायद से फैंस की सुन ली है या फिर आज के टाइम की डिमांड, और इस वजह से वो अपने स्पाई यूनिवर्स के अंदर काफी सारे चेंजेस करने वाले हैं। नहीं, कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है, बट एक अलग सी ऑफिशियल न्यूज से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वायरफ किस तरह से अपने आप को बदलने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है आफ्टर द टाइगर 3। अब देखो, आज की कहानी को शुरू करेंगे हम वायरफ की उस पुरानी विचारधारा से, जहाँ पर वायरफ को पता नहीं क्या खुन्नस रही है हमेशा से अपनी फ्रेंचाइज फिल्मों को लेके। वो किसी फिल्म फ्रेंचाइज की हर एक मूवी के लिए अलग डायरेक्टर को चूज करते हैं। एज लाइक कि 2012 में कबीर खान ने एक था टाइगर बनाई, टाइगर का सेकंड पार्ट आता है अली अब्बास जफर के साथ, टाइगर जिंदा है, एंड टाइगर 3 आती है मनीष शर्मा के साथ। उनके साथ तो अभी बातें बाद में करेंगे, घर आएंगे बाद में उनको। इसके अलावा 2019 में आई वॉर, जिसका डायरेक्शन दिया था सिद्धार्थ खाना ने, अभी उस पिक्चर के सेकंड पार्ट के लिए भी डायरेक्टर आप बदल चुके हैं, आ चुके हैं हमारे जो है अयान मुखर्जी। हर एक बार नया डायरेक्टर और हर बंदे को जो है उन्होंने मौका दिया। अब वैसे तो वायरफ को इस स्ट्रेटजी का लगभग लाभ ही मिला है, एज लाइक कि नया डायरेक्टर आता है तो हर डायरेक्टर का एक अपना विजन होता है, एंड उसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि एक था टाइगर का टाइगर हमारा थोड़ा क्लासी दिखाई देता है, बट जो टाइगर जिंदा है का टाइगर आता है वो थोड़ा सा काफी मासी लेवल का बंदा दिखता है, एंड फिर टाइगर 3 आती है जिसमें क्लासी मासी दोनों का मिक्सचर। एंड एज अ कैरेक्टर वाइज अगर बात करें तो टाइगर को एक अलग ही हम फॉर्म में हर बार देखते हैं। ऑडियंस इन सारी चीजों को एंजॉय भी करती थी एंड एक्साइटेड भी रहती थी आने वाले पार्ट्स के लिए कि भाई न्यू डायरेक्टर होगा, न्यू विजन होगा, एंड इस बार ये बंदा क्या ही प्रेजेंट करेगा। बट जब से मनीष शर्मा ने टाइगर 3 करी है, क्या ही प्रेजेंट करके रख दिया है। 1000 करोड़ पोटेंशियल वाली मूवी को जिस तरह से उन्होंने वेस्ट करा है वो आज भी हमें दर्द हो रहा है। जब स्त्री 2 का कलेक्शन हम 500 करोड़ देखते हैं, देन वी रियलाइज कि भाई कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी टाइगर 3 के पास, एंड वो मूवी अगर अपने एकदम पीक लेवल पे बनी होती तो शायद से पठान का भी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड क्रॉस कर देती। टाइगर 3 के बिलो एक्सपेक्टेशंस के बाद वायरफ को शायद से ये चीज रियलाइज हो चुकी है कि ऑडियंस को इस टाइम पर चाहिए क्या, एंड सबसे बड़ी बात यह है कि डायरेक्टर मैटर्स। हर पिक्चर के अंदर आज की ऑडियंस जो है डायरेक्टर को देखना पसंद करती है, एंड इसीलिए शायद से अब वायरफ जो है अपने पुराने फॉर्म में लौट रहा है। टाइगर 3 के बिलो एक्सपेक्टेशंस बिजनेस के बाद शायद से वायरफ ने अपनी उस स्ट्रेटजी को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करी है। आई मीन वो चीज तो नहीं बदलेंगी कि हर पिक्चर के हर पार्ट के लिए जो है अलग डायरेक्टर, वो तो वो करते रहेंगे क्योंकि उनका जन्म जन्मांतर का कोई जो है अपन आशीर्वाद मिला होगा, लेकिन वो एक चीज जरूर करने वाले हैं, वो है नए डायरेक्टर्स का डीसेलेक्शन। नहीं मतलब तुम इसे निगेटिव पॉइंट में मत लेना, बट अगर कोई भी मूवी अपने आप को एक फ्रेंचाइज में एस्टेब्लिश कर रही है तो उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उस डायरेक्टर की भी। जो पहला पार्ट हो फिल्म का उससे सेकेंड पार्ट जब बनना चाहिए वो तो कम से कम एक लेवल ऊपर होना ही चाहिए, एंड उसके लिए जरूरत होती है एक एक्सपीरियंस डायरेक्टर की। टाइगर 3 वहीं पर लैक करती है। वॉक 2 के साथ अभी भी रिस्क है। आई बिलीव इन अयान मुखर्जी, मैंने ब्रह्मास्त्र में उनका क्राफ्ट देखा है, बट कहीं वो बौखला गए क्लास दिखाने के चक्कर में तो भाई वॉक 2 के तो फिर खैर अभी के लिए हम थोड़ा सा पॉजिटिव सोचते हैं। एक नया डायरेक्टर किसी भी फ्रेंचाइज की कितनी बुरी तरीके से वॉट लगा सकता है, शायद से ये वायरफ समझ गया है, एंड इसलिए वो अपने आने वाली फिल्मों में जो कि एक फ्रेंचाइज फिल्म है, जो एस्टैब्लिश फिल्म है, उनके लिए किसी भी नए और एकदम से अनएक्सपीरियंस डायरेक्टर को नहीं लेना चाहते हैं, एंड इस बात को क्लियर करा है आज की एक रिपोर्ट ने, जहां पर एक आर्टिकल में साफ साफ शब्दों में बताया गया है कि वायरफ के अंदर हमारे ओजी डायरेक्टर जिन्होंने सलमान खान साहब के साथ 2 मेगा ब्लॉकबस्टर दिए हैं, वायरफ के साथ 4 पिक्चरें करी और चारों की चारों हिट पिक्चरें, 100% का 100% सक्सेस रिकॉर्ड के साथ हमारे अली अब्बास जफर सर वापस आ चुके हैं वायरफ के अंदर। नहीं तुम ऑफेंड मत होना, बड़े मियाँ छोटे मियाँ को मैं बहुत तारीफ नहीं करने वाला हूँ। कल रात में मैंने देखी एंड कल ही मैं सोच रहा था कि भाई ऐसा बंदा ऐसी पिक्चर बना कैसे सकता है, फिर याद आया कि भाई प्रोडक्शन हाउस भी तो देखो, ये ऐसा मनहूस प्रोडक्शन हाउस है जिसने अक्षय कुमार को आफ्टर द कोविड पहली ब्लॉकबस्टर घंटा ब्लॉकबस्टर पहली डिजास्टर पिक्चर दिलाई थी बिल बॉटम। तो तुम समझ ही सकते हो पूजा एंटरटेनमेंट की मेहरबानी, उनका तो रिकॉर्ड ही रहा है, कोई भी एक्टर आए वो उस पिक्चर को मतलब उस बंदे को फ्लॉप करवा ही देते हैं। सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी मेगा ब्लॉकबस्टर देने वाले अली अब्बास जफर साहब फिर से एक बार वायरफ के साथ कोलैबोरेट करते नजर आएंगे, जहां पर वो मोस्ट प्रोबेबली वायरफ की अपकमिंग स्पाई फिल्मों का ही निर्देशन करेंगे। आई मीन वो स्पाई यूनिवर्स के अंदर एंट्री ले चुके हैं, पर सवाल आता है वो कौन सी पिक्चर बनाने वाले हैं। इनमें से सबसे पहले हमारे लाइनअप में अगर वॉक 2 आती है, ऑलरेडी आया
कल्याण मुखर्जी साहब भिड़े हुए हैं। अल्फा मूवी की शूटिंग भी ऑलरेडी चालू हो चुकी है, तो ऐसे में सिर्फ दो या तीन नाम निकल के आते हैं। पहला तो पठान 2, दूसरी टाइगर वर्सेस पठान, एंड तीसरी कोई नई फिल्म हो सकती है, जिसमें से मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हमारे जो सबसे आज के टाइम के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर हैं एक्शन डायरेक्टर्स की कैटेगरी में, यानी कि हमारे सिद्धार्थ आनंद, लॉर्ड सिद्धार्थ आनंद साहब, वो भाई साहब आने वाले टाइम पे टाइगर वर्सेस पठान का डायरेक्शन करेंगे और उसकी स्टोरी को भी वही लिखेंगे, तो वो भाई साहब तो पूरी तरह से बिजी हैं। तो ऐसे में बसती है सिर्फ हमारे पास पठान 2, एंड मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक YRF ने हमारे अली अब्बास जफर साहब को इसी पिक्चर के लिए हायर किया है, एंड इस चीज की मुझे पॉसिबिलिटी इसलिए भी ज्यादा लगती है बिकॉज ऑफ की वी नो की पठान एक बहुत बड़ी मेगा ब्लॉकबस्टर मूवी है, एंड जो इसका सेकंड पार्ट आना चाहिए वो बवाल आना ही चाहिए, एंड ऐसे में YRF कोई रिस्क नहीं लेगा किसी टिटपुंजिया डायरेक्टर को जो है हायर करके कि भाई आओ और तुम फिर से जो है टाइगर 3 की तरह पठान 2 का कचड़ा बना के जाओ। अली अब्बास जफर ने जरूर जो है बड़े मियां छोटे मियां जैसी एक मेडियोकर पिक्चर दी है, बट स्टिल आई बिलीव इन अली अब्बास जफर, स्पेशली ये जानते हुए कि जब भी बंदे ने YRF के साथ काम किया धमाका ही किया है। हालांकि एक और चीज हो सकती है कि मे बी YRF के कुछ प्लान्स अलग हों, वो सलमान खान साहब के साथ एक नई पिक्चर बनाना चाहते हों, जैसा कि अली अब्बास जफर साहब ने भी कहा है कि हम सलमान भाई के साथ एटलीस्ट एक पिक्चर तो और करेंगे ही, पर इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मैं झूठी उम्मीदें किसी को नहीं देना चाहता हूँ बिकॉज आपकी एज द करेंट टाइम में पता ही होगा कि हमारे भाईजान पूरी तरह से बिजी हैं सिकंदर मूवी को लेके, उनके कुछ हेल्थ के इश्यूज भी चल रहे हैं, एक वीडियो आया था जिसमें उनको थोड़ा सा बैठने में और उठने में भी पेन हो रहा था, और स्टिल जो है लोग ट्रोल करते हैं उनको कि भाई ने बॉडी सही नहीं करी है, भाई ने जो है अपने आप को फिट नहीं रखा है, वो कैसी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बंदा किस चीज से सफर कर रहा है वो तुम जानते तो शायद तुम बोलते ही ना, उस बंदे की एक एज भी है, बट स्टिल वो कितना रिस्पॉन्सिबल बंदा है जो कि अपने पेन के रहते हुए भी उस इवेंट में पहुंचा था, एंड ये दिखाता है कि वो हर एक चीज सिर्फ अपने फैंस के लिए करते हैं, तो ऐसे में उनके साथ सपोर्टिव रहो। हालांकि हम अपने पॉइंट पे वापस आए, तो सिकंदर के बाद हमारे भाईजान के पास ऑलरेडी जो है एटलीस्ट आपकी एक पिक्चर है, तो वो उसमें बिजी होने वाले हैं पूरी तरह से। एंड रही बात हमारे शाहरुख खान साहब की, तो किंग मूवी के अलावा उनके पास दूसरी कोई पिक्चर नहीं है, एंड जैसा कि कुछ आर्टिकल्स में बताया भी गया है कि SRK साहब की नेक्स्ट मूवी आफ्टर द किंग होने वाली है पठान 2, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे अली अब्बास जफर साहब ही इसके डायरेक्टर होने वाले हैं। खैर तुम्हारा इस पूरे मैटर पे क्या कहना है, तुम एज ए अली अब्बास जफर साहब को पठान 2 का डायरेक्टर क्या समझते हो, या फिर तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तुम कमेंट सेक्शन में बताओ। मेरा गला साला ऐसा बैठा है कि खड़ा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। खैर तुम्हें ये सारी चीजें कैसी लगी है तुम कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साला 30,000 में कब से अटके हुए, कब होंगे, आज कर दो सब्सक्राइब।